The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन, बात कर रहे हैं डायलिसिस की. क्या होता है डायलिसिस, हीमोडायलिसिस जिसको हम कहते हैं, तो इसके बारे में बातचीत करेंगे. हीमोडायलिसिस होता क्या है और इसको ठीक कैसे किया जाता है, इसको किया कैसे जाता है और क्यों किया जाता है, किस में ज़रूरत पड़ती है, किस में नहीं इसको करने की ज़रूरत होती है, हीमोडायलिसिस के बारे में सारी जानकारी आज आप जानेंगे. ये एक तरीके का ट्रीटमेंट है, ये एंड स्टेज किडनी फेलियर के लिए होता है, यानी जिस इंसान की किडनियाँ काम नहीं कर रही है खून को साफ करने के लिए, उस केस में हम डायलिसिस करके इलाज करते हैं, खून को साफ करते हैं. ये डायलिसिस से खून में से आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स जो नॉर्मली किडनी से निकल जाने, किडनी के थ्रू निकल जाने चाहिए थे, जो नहीं निकल रहे हैं, उनको निकाला जाता है. तो डायलिसिस रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम योर ब्लड व्हेन योर किडनीज कैन नो लॉन्गर डू दैट, राइट ना. अब अलग अलग प्रकार के ही डायलिसिस आते हैं. नाउ आज बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज हीमोडायलिसिस, राइट. देयर इज डायलिसिस जो पेरिटोनियल डायलिसिस भी होता है, देयर आर मेनी अदर टाइप्स के. हीमोडायलिसिस का मतलब है किडनी का काम किडनी नहीं कर रही तो हम करेंगे. तो किडनी का क्या, किडनी का मेन काम है कि खून में से टॉक्सिन्स, एक्स्ट्रा पानी, एक्स्ट्रा नमक, एक्स्ट्रा एनी काइंड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट खून में से निकाल देना, वो काम है आपके किडनीज का. अब बिकॉज ऑफ सम रीज़न अगर वो नहीं निकाल पाए तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स आपके शरीर में जमा होते रहेंगे और ये जमा होके लिटरली आपकी जान ले सकते हैं, इतने इकट्ठे हो तो इट कैन बी डेंजरस एंड कैन इवन कॉज डेथ. सो हीमोडायलिसिस यानी खून का डायलिसिस करना मतलब किडनी का काम करना जब किडनी नहीं कर पा रही. हीमोडायलिसिस से आप क्या क्या निकाल सकते हैं, खून में से क्लीन कर सकते हैं आप, एक्स्ट्रा सॉल्ट निकाल सकते हैं, पानी निकाल सकते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं ताकि वो किडनी वो आपके खून में जमा ना हो जाए. आप मिनरल्स और विटामिंस का सेफ लेवल रख सकते हैं खून में. आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं क्योंकि जब प्रॉपर पानी नमक नहीं निकलता ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. आप रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि जब किडनी काम नहीं करती है सो डायलिसिस से किडनी पे भी प्रेशर कम हो जाता है भैया एकदम से, तो रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में हेल्प होती है. ड्यूरिंग डायलिसिस आपका ब्लड जो है एक ट्यूब के द्वारा एक आर्टिफिशियल किडनी के या फिल्टर के थ्रू गुजारा जाता है और ये फिल्टर जो है जिसको हम डायलाइजर बोलते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है. डायलाइजर इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स जो कि एक बहुत पतली वॉल से सेपरेटेड होता है. जैसे जैसे ब्लड इस फिल्टर के थ्रू पास होता जाता है, एक स्पेशल दूसरे पार्ट में जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है छनते जाते हैं, राइट. तो ऐसे ऐसे कर करके ब्लड एक छान के बाहर निकलता है, जो जो वेस्ट प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए वो रह जाते हैं, जो जो हम वापस जा रहे हैं वापस चले जाते हैं दूसरी तरफ से, दूसरी ट्यूब से आपके बॉडी के अंदर. नाउ दिस इज वेयर ट्यूब अटैच कर, एक तरफ आपके बॉडी में ट्यूब अटैच होता है दूसरी तरफ वापस जा रहा होता है, इस तरह से आपका डायलिसिस होता है. तो डायलिसिस कब स्टार्ट करना होता है, हर एक पेशेंट जिसको किडनी की बीमारी है उसको डायलिसिस करनी पड़ती है क्या, नहीं. डायलिसिस स्टार्ट होता है जब किडनी फेलियर लास्ट स्टेज में पहुंच जाए या लंबे समय से हो या एक्यूट स्टेज में इतना ज़्यादा हो जाए कि खून में बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट जमा है और वो डैमेज कर सकता है आपको, जब भी आपकी किडनी काम नहीं कर पा रही. ये आपसे डिस्कस करे बगैर, आपसे साइन लिए बगैर, आपका कंसेंट लिए बगैर नहीं किया जाता. यूजुअली डायलिसिस तब किया जाता है जब आपकी किडनी जो है सिर्फ 10-15% ही काम कर रही है. अब ये एक्यूट में भी हो सकता है कि एकदम से किडनी पे कोई डैमेज कर रहा है और किडनी काम करना बंद कर रही है, तब डायलिसिस करना पड़ सकता है. या फिर क्रोनिक किडनी डिजीज है, क्रोनिक लंबे समय से किडनी की बीमारी हो रही है और अब जाके किडनी जो है दम तोड़ रही है, अपना काम खत्म कर रही है, तब भी किया जा सकता है. सो यू मे नीड डायलिसिस अगर एक्यूट हो या क्रोनिक हो, और क्रोनिक कंडीशंस में
कई बार रिपीटेड डायलिसिस पे भी रह सकते हैं, कई लोग मेंटेनेंस डायलिसिस पे होते हैं सीकेडी में, क्रोनिक किडनी डिजीज स्टेज 5 में, स्टेज 4 में, और एक्यूट स्टेज में पॉसिबल होता है कि एक दो बार डायलिसिस की जरूरत पड़े, फिर किडनी जो है उसको जो भी एक्यूट स्ट्रेसर है उसको निकाल दिया तो किडनी माइट गेट रिकवर्ड और आपको हो सकता है कि आगे चल के डायलिसिस की जरूरत ना पड़े। सो एक्यूट में ऐसा, क्रोनिक में ऐसा। अब डायलिसिस जो है दो तीन जगह पे ऐसा होता है, घर पे भी हो सकता है कई जगहों पे, जी हाँ डायलिसिस एट होम भी पॉसिबल है, और हॉस्पिटल में या ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं कई सारे, डायलिसिस सेंटर्स हैं दुनिया में, वहाँ भी होता है। स्पेशल डायलिसिस सेंटर में जब होता है तो ऑब्वियसली ऐसा, ऐसे लोग होते हैं जिनको बार बार ज़रूरत पड़ती है उनको होती है, और यू विल नीड अबाउट, क्योंकि देखो किडनी तो रोज़ बना रही है, किडनी तो सुबह शाम दिन रात आपका फिल्टर कर रही है। अगर किडनी आपकी काम नहीं कर रही है या सिर्फ 10% काम कर रही है, 5% काम कर रही है, तो ऑब्वियसली आपको हफ्ते में 2 या 3 बार कम से कम जाके किडनी यानी ब्लड की सफाई करनी पड़ेगी। सो आपको 3 times a week मान के चलिए, और ट्रीटमेंट होता है आपका 3 से 4 घंटे तक, 3 से 4 घंटे लगते हैं पूरे शरीर का खून साफ करने के लिए, बेसिकली डायलिसिस होने के लिए। यू मे फील टायर्ड ऑल्सो फॉर सेवरल आवर्स आफ्टर डायलिसिस, क्योंकि एकदम से आपके खून निकल के उसमें से जो भी है वो सब निकल के आया है, तो ब्लड प्रेशर थोड़ा लो हो जाता है ड्यूरिंग डायलिसिस, सो यू कैन फील टायर्ड सर। तो ये ट्रीटमेंट सेंटर में फ़ायदा क्या होता है, आपकी मॉनिटरिंग होती है, डॉक्टर होता है तो वो हैंडल कर लेता है आपके बॉडी के अंदर जो भी सिस्टम हो रहा है, और डायलिसिस के बाद फिर आपको वो एक पर्टिकुलर डाइट देते हैं कि भैया आपको यही डाइट खानी है, डायलिसिस डाइट, राइट। डायलिसिस डाइट पे हम फिर बात करेंगे कि डायलिसिस डाइट क्या है अगली बार। अब घर पे जब डायलिसिस होता है तो उसका अलग सिस्टम होता है, आपको किसी आपको कोई मशीन खरीदनी नहीं होती है, कुछ प्रकार के सेंटर्स आते हैं जो आपके घर में आ जाते हैं डायलिसिस करने के लिए। सो ये एक अच्छी चीज़ है। इसमें 2 तरीके के शेड्यूल होते हैं इसमें, ऑल्दो ये चीज़ इंडिया में कम बाहर ज़्यादा चलत में है। एक तो होता है शॉर्ट 2 से 3 घंटे का ट्रीटमेंट जो आप 5 से 7 दिन कर सकते हैं हफ्ते में, या लॉन्गर ट्रीटमेंट जो कि नाइटली ट्रीटमेंट होता है जो कि 3 से 6 नाइट पर वीक्स किया जाता है जब आप सो रहे हो, दैट्स ऑल्सो वन थिंग जो कॉम्बिनेशन किया जाता है, राइट। अगर आपका ट्रीटमेंट इससे ज़्यादा ऑफन किया जाएगा, मतलब बेसिक चीज़ है, इफ़ यू हैव ट्रीटमेंट मोर ऑफन इट विल हैपन मोर स्लोली, जितना ज़्यादा ट्रीटमेंट बार बार करेंगे उतना धीरे धीरे डायलिसिस होगा, और धीरे धीरे डायलिसिस करने के बेनिफिट भी है अपने, तुरंत खून निकालने का अपना रिस्क भी है। तो इससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मलाइज रहता है, और कई लोगों को हो सकता है आगे चल के ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेने की ज़रूरत ना पड़े, होम डायलिसिस जिनका रेगुलर हो रहा है, और ये एक बेटर काम करता है नॉर्मल डायलिसिस से अगर वो रेगुलर बेसिस पे किया जाए, हार्ट के ऊपर आसान होता है, बहुत सारे फ़ायदे हैं होम डायलिसिस के। और तो इतनी अभी फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल नहीं है, जहां अवेलेबल है वहां के लिए वो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं। सो दैट इज़ देयर, इसमें आपका डॉक्टर नहीं होता, इसमें आपके पास में खुद मशीन होती है, आपको खुद सिखाया जाता है, और एक नर्स होती है, डायलिसिस नर्स होती है, ट्रेन नर्स जो आपको या आपके केयर गिवर को ट्रेन कर सकते हैं कि कैसे आपको होम डायलिसिस करना है। इसमें बहुत बड़ी मशीन नहीं होती, इसकी अलग हिसाब किताब वाली मशीन होती है, और ट्रेनिंग में आपको कुछ हफ्ते लग सकते हैं इसके लिए कि इक्विपमेंट को कैसे हैंडल करना है, नीडल का जो एक्सेस बनाया गया है उसको कैसे एक्सेस करना है, मशीन को ब्लड प्रेशर को कैसे मॉनिटर करना है, रिकॉर्ड कैसे रखना है, ऐसा। होम डायलिसिस जो है ये पहली बात हर जगह अवेलेबल नहीं है, ये सबके लिए नहीं होता है, कुछ कैंडिडेट होते हैं जो कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते, इसके लिए भी आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है, राइट। और बहुत ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर से रेगुलर विजिट करते रहना है। सो होम डायलिसिस इज अ गुड ऑप्शन अगर आप अपना मोर इंडिपेंडेंस चाहते हो कि नहीं मैं खुद कर लूँगा, या क्या मैं खुद कर सकता हूँ, इसके बारे में फिर अपने डॉक्टर से आप बात करें। सो अगर कोई भी मेजर दिक्कत आ रही है, अगर आप होम डायलिसिस कर रहे हैं, मतलब आपको ब्लीडिंग हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, रेडनेस हो रहा है, बुखार हो रहा है, इचिंग हो रही है, कोल्ड नमनेस वीकनेस हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर को तुरंत बताएं, राइट। उसके अलावा छोटी मोटी दिक्कत, चक्कर आना, कन्फ्यूजन होना, नौजिया वॉमिटिंग होनी, तो भी आपको डॉक्टर को बताना होगा। सो देर आर 2 types ऑफ हीमोडायलिसिस, होम डायलिसिस जो और ट्रीटमेंट सेंटर में हॉस्पिटल में डायलिसिस,
जो भी हो, एक डायलिसिस का कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है, बेसिक यही है। मेन इश्यूज होते हैं डायलिसिस के टाइम पे, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, और ब्लड प्रेशर डायलिसिस रेगुलर करने से, डायलिसिस जब नहीं कर रहे तब जब ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो थोड़ा लो हो सकता है। सो बेटर है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज रखें, डॉक्टर की निगरानी में करें डायलिसिस। डायलिसिस बेसिकली किडनी का काम, जो जब किडनी नहीं कर पाती है तो मशीन करती है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।